कानपुर के किदवई नगर में लगी भीषण आग, एक के बाद एक 40 दुकानों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, आज सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। झारखंड के जमशेदपुर में रामनवमी के बाद फिर हुई हिंसा, दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी, पुलिस ने क्षेत्र में धारा 144 लागू की, फ्लैग मार्च निकाला। हनुमानगढ़ के नोहर में अनियंत्रित ट्रोला दुकान में घुसा, हादसे में एक की मौत, चालक समेत दो घायल। श्रीविजयनगर में ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद, चार गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में वांछित अपराधियों और नशे के खिलाफ अभियान, भारी मात्रा में डोडा पोस्ट सहित अवैध देशी शराब जब्त, कई आरोपी गिरफ्तार। झालावाड़ के ईदगाह रोड पर मामूली कारसूनी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, मारपीट में तीन लोग जख्मी हुए। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की, पुलिस ने दो किलो गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बहरोड में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने ईंट उद्योग पर खूब ताबड़ तोड़फोड़ की, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच में जुटी। राजसमंद में बाइक सवार युवकों के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मामले में चार बाल अपचारी को डिटेन भी किया गया। अलवर के रैणी थाने के अंतर्गत छिरोडी गांव में बाइक ने 5 वर्षीय बालिका को मारी टक्कर, हादसे में बालिका घायल हुई। श्रीगंगानगर में पुलिस ने छापेमारी में 2 नशा तस्कर और महिलाओं को गिरफ्तार किया, आरोपियों के कब्जे से 6 किलो डोडा पोस्ट, 15 लीटर हथकड़ शराब बरामद। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई, हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, तो वहीं दूसरे घायल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बाली में फिर दिखी चोर गिरोह की सक्रियता, चोरों ने एक किराने की दुकान को बनाया निशाना, दुकान से 3000 की नकदी और हजारों का माल साफ किया। बूंदी के केशव राय पाटन में अनियंत्रित होकर ड्रेन में पलटा ट्रैक्टर, गौवंश को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 3 लोगों में से एक की मौत। अलवर में हाईवे पर बाइक को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। झालावाड़ के सदर थाना क्षेत्र के बोरदा गांव में 5 बीघा गेहूं की कटाई के बाद इकट्ठा गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई, जिसके कारण गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जैसलमेर में अतिक्रमण के खिलाफ यूआईटी का अभियान, करोड़ों की जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम किया शुरू। सिरोही के माउंट आबू में वन्यजीवों का मूवमेंट जारी, अचलगढ़ में पैंथर का मूवमेंट देखा गया, तो वहीं नगरपालिका के डंपिंग यार्ड में भालुओं का विचरण देखा गया। डिडवाना में पशु बाड़ में लगी भीषण आग, हादसे में 40 भेड़ बकरियों की जलकर मौत। डूंगरपुर के सिलोही गांव में गणेशपुर बस्ती में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, चोरों ने घर से 3 लाख रुपए और करीब 7 लाख के सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में फरार एली ग्लोबल कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार किया। राजसमंद की कुमारिया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कार से 264 किलो डोडा चूरा सहित अवैध हथियार बरामद। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती युवती से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत, डॉक्टर बनकर आए युवक से छेड़छाड़ की, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नागौर के पर्वतसर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर। प्रतापगढ़ में रोडवेज बस कर्मचारी ने दिया ईमानदारी का परिचय, रुपयों से भरा पर्स उसके मालिक को लौटाया। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का समापन हुआ, विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। फिल्म गुमराह का बॉक्स ऑफिस पर कमाई की रफ्तार धीमी, फिल्म ने तीसरे दिन 1.50 करोड़ की कमाई की। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने दर्ज की सीजन की पहली जीत, पंजाब किंग्स को 8 विकेट से शिकस्त दी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की लखनऊ सुपर जॉइंट्स से होगी भिड़ंत, मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।